सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ओप्पो के दो नए स्मार्टफोन के बारे में जो दोस्तों 8 मार्च को लॉन्च होने वाले हैं। यह दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ओप्पो के F19 Pro और F19 Pro Plus 5G के बारे में। दोस्तों ये दोनों फ़ोन आपको 8 मार्च को देखने को मिल जाएंगे। 8 मार्च को दोस्तों ये लॉन्च होने वाले हैं। दोस्तों आज मैं आपसे इन दोनों की प्राइस की और इसमें दोस्तों हमें क्या कुछ देखने को मिलता है उस बारे में आपको बताऊँगा। दोस्तों जो लोग वीवो और ओप्पो के फ़ोन चलाना पसंद करते हैं उनको दोस्तों काफ़ी अच्छा एक नया फ़ोन देखने को मिल सकता है कुछ ही दिनों बाद, क्योंकि दोस्तों 8 मार्च को ये दोनों फोन लॉन्च हो रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको इन दोनों के बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि आपको दोस्तों इन दोनों में क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है और इन दोनों के लिए दोस्तों आपको वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और सादा बैन दबा दो जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको ओप्पो के F19 Pro और प्लस 5G के बारे में बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। दोस्तों इन दोनों फ़ोन में हमें 6.43 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है जो दोस्तों एक AMOLED डिस्प्ले होने वाली है। जी दोस्तों सुपर AMOLED डिस्प्ले नहीं है, सिर्फ AMOLED डिस्प्ले है। दोस्तों इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमें AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। और दोस्तों इसमें हमें अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो इसके दोस्तों ये प्रोसेसर है वो है MediaTek का Helio P95। दोस्तों मैं बोलूँगा ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर नहीं है, लेकिन दोस्तों इसकी प्रोसेसर के हिसाब से इसकी प्राइस की बात करें तो वो भी दोस्तों ज़्यादा नहीं होने वाली, वो भी दोस्तों आपको 15 से 20 हज़ार रुपये देखने मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों ओप्पो के जो दोस्तों फ़ोन आते हैं भले ही इनके अंदर हमें तगड़ी परफॉर्मेंस ना मिले बट दोस्तों इनकी जो प्राइस होती है वो हाई लेवल की होती है ओप्पो और वीवो की। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि ओप्पो और वीवो के फ़ोन जो होते हैं वो कैमरा सेंट्रिक फ़ोन होते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से इसमें कैमरे दिए गए हैं वो काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। क्योंकि दोस्तों सबको पता है कि ओप्पो और वीवो के फ़ोन में हमें ज़्यादातर कैमरे देखने को अच्छे मिलते हैं, बाकी दोस्तों उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो बस तो जो कैमरे होते हैं वो दोस्तों काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अगर बात कर रहा हूँ कैमरे की तो आपको बता दूँ कि इन दोनों फ़ोन में दोस्तों हमें क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है जिसमें दोस्तों मेन कैमरा है वो है 48 MP का। तो दोस्तों कैमरा काफ़ी अच्छा होता है, चाहे सेल्फी की बात कर लो या बैक की बात कर लो। क्योंकि दोस्तों इनके दोनों कैमरों में हमें वीडियो का जो AI वीडियो होती है उसका सपोर्ट देखने को मिलता है जिससे दोस्तों हमारी फ़ोटो होती हैं वो काफ़ी अच्छी निकल के आती हैं। अब दोस्तों इनकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों इनकी प्राइस मैं आपको फिर बता रहा हूँ 15-16 हज़ार रुपये होने वाली है इसकी बेस वेरिएंट की। और दोस्तों ये 5G है जिसका दोस्तों मैं प्रोसेसर की बात करूँ इसमें दोस्तों हमें MediaTek का Dimensity 800U वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो 5G फ़ोन है इसकी प्राइस की बात की जाए तो दोस्तों इसकी प्राइस समथिंग मैं यही बोलूँगा कि 20 से 22 हज़ार रुपये के बीच में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आपको जो ओप्पो का फ़ोन ज़्यादा पसंद है, ओप्पो के फ़ोन आपको पसंद आते हैं तो आप इसके लिए वेट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों जो 8 तारीख को दोस्तों ये लॉन्च हो रहे हैं और उससे कुछ ही दिनों बाद इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको वेट नहीं करना तो ऑलरेडी दोस्तों रियलमी ने इसी प्रोसेसर के साथ अपना फ़ोन लॉन्च कर दिया है Realme X7, तो आप उसकी तरफ देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक अगर टाइम सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा दोस्तों लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।